अभी आप देख सकते रहेंगे, ये हमारे पास पैकेज ऐसी है करियर कंपनी का, रूफ टॉप मॉडल है और 12 टन का है। इसका एक विशेष हम बताएंगे, बहुत सी हमारे पास ऐसी है लेकिन बहुत सी आपने ऐसी देखा ही रहेगा, मोटर देखा रहेगा, उसमें जो हमारा मोटर रहता है सिंगल फेस रहता है या थ्री फेस रहता है, बट इसमें जो मोटर लगा हुआ है ये टू फेस का मोटर है। जी हाँ, टू फेस का मोटर है। तो टू फेस का जो मोटर है इसका कनेक्शन वायरिंग कैसा रहता है, क्या रहता है, वो हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे, दिखाने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप देख सकते रहे, इसको मैं भी मॉडल नंबर भी दिखाता हूँ आपको डिटेल्स में, और उसके पहले मैं अंदर जाने से पहले थोड़ा इसका कनेक्शन देख सकते रहेंगे। यहाँ से चार वायर आ रहा है मोटर का, देख सकते रहेंगे ये मोटर का चार वायर आ रहा है। जैसा कि हम लोग जानते हैं नॉर्मली बेसिक जो वायरिंग रहता है, एक कामर रहता है, एक रन रहता है, एक स्टार्ट रहता है, या तो फिर हमारा मोटर से चार वायर निकला रहता है, उसे जो हम बाहर निकाल करके क्या करते हैं, दो वायर को आपस में जोड़ करके एक कामर बना देते हैं, एक कामर बना देते हैं और एक कामर न्यूट्रल हो जाता है, रन स्टार्ट हो जाता है। बेसिक इस तरह से मोटर रहता है सिंगल फेस में। बट ये इसमें जो देख सकते रहेंगे ये हमारा टू फेस का मोटर है। कैसा वायरिंग कनेक्शन है, पावर हम दिखाते हैं। कलर कोड देख सकते रहेंगे क्या आ रहा है यहाँ पे, आप देख सकते रहेंगे ब्लैक, रेड, ब्राउन दो। ओके, तो यहाँ पर हम दिखाते हैं, ये हमारा देखिए कलर आ गया, तो यहाँ देख सकते रहेंगे ये हमारा साथ में ये दो ब्राउन है और ये ब्लैक रेड है। ये रेड ब्लैक कहाँ पे आ रहा है हम दिखाते हैं आपको क्लियरली, ये देखिए यहाँ पे कहाँ पर आ रहा है, ये देख सकते रहेंगे फेस है, आप देख सकते रहेंगे यहाँ पे ये जो फेस है ये हमारा थ्री पोल का कॉन्टेक्टर है। जैसा देख सकते रहेंगे थ्री पोल का कॉन्टेक्टर है, ये थ्री फेस है, ये यहाँ पर देख सकते रहेंगे आर वाई बी, ठीक है, आर वाई बी सी देख सकते रहेंगे, तीन फेस रहता है यहाँ पर। और ये जो हमारा फेस कहाँ पर आ रहा है, कंप्रेसर पर आ रहा है, देख सकते रहेंगे ये हमारा थ्री फेस का कंप्रेसर है, आप देख सकते रहेंगे यहाँ पे ये रेड वाला वायर है, ये तीनों फेस है यहाँ पे, देख सकते तीनों फेस आ रहा है यहाँ पे, ये इसमें जा रहा है, आप देख सकते रहेंगे ये तीनों फेस जा रहा है यहाँ पे, ये थ्री फेस का कंप्रेसर है। वोल्टेज भी देख सकते रहेंगे कि नाप लिखा हुआ है यहाँ पे 460 वोल्टेज लिखा हुआ है, 420 वोल्टेज लिखा हुआ है, 380 420 वोल्टेज यहाँ पर लिखा हुआ है। ओके, और उसी तरह से देख सकते रहे यहाँ पे, उसी तरह से देख सकते हैं ये वायर आ गया, यहाँ से कॉन्ट्रेक्टर से आउट हो रहा था, ये कॉन्ट्रेक्टर हमारा समझ में आपको थ्री फेस है, थ्री फेस है, बट यहाँ पर देख सकते रहे दो वायर इसी पर लगा हुआ डायरेक्ट, आप देख सकते रहेंगे यहाँ पर दो वायर जो है डायरेक्टली यहाँ पर लगा हुआ है, आप देख सकते हैं ये, यानी कि ये हमारा टू फेस है, यानी कि दो फेस जो है डायरेक्टली हमारा मोटर में जा रहा है। और इसे स्टार्टिंग करने के लिए फिर देख सकते रहे कैपेसिटर का यूज़ किया गया, ये कैपेसिटर है, कैपेसिटर कितना एम एफ डी का यूज़ किया गया है ये हम आपको दिखाते हैं, ये हमारे देख सकते रहेंगे ये 7 MFD का यूज़ किया गया है, इसको हम खोल करके अभी दिखाते हैं आपको, यहाँ पर देख सकते रहेंगे लिखा हुआ है 370 वोल्ट एसी लिखा हुआ है, और ये हमारा 7 MFD का है, 7.5 MFD का कैपेसिटर है, ये हम आपको खोल करके दिखाते हैं डिटेल्स में। और ये तो समझ में आ गया रहेगा आपको, ये थ्री हम आ गए, वोल्टेज भी चेक करके दिखा देते हैं, कन्फर्म कराएंगे आप लोग को, देख सकते हैं यहाँ पर ये जो हमारा हो गया दो फेस हो गया और ये डायरेक्टली कैपेसिटर पर आ रहा है रन स्टार्ट, और यहाँ पर देख सकते रहेंगे फिर से। अभी हम मोटर का डिटेल्स दिखाते हैं, मोटर का मॉडल नंबर दिखाते हैं तो आपको मालूम चलेगा क्लियर कैसे आया है। तो देख सकते रहेंगे ये हमारा मोटर है, अभी बंद किया गया है क्योंकि हमें जो इसका पूरी डिटेल्स चेक करना पड़ेगा, अंदर जाना पड़ेगा दिखाने के लिए, और इसका फिल्टर, ड्रायर, वायरिंग, कनेक्शन, ओवरफेस, पूरा डिटेल्स में टेक्निकल डाटा अदर वीडियो बना हुआ है, देख सकते रहेंगे चाहिए तो। इसे देख सकते रहेंगे हमने मोटर को ऑफ किया, ऊपर वायर देख सकते रहेंगे यहाँ से रोटेशन चेंज करने के लिए आता है, वो अलग पार्ट में वीडियो दिखा देंगे किस तरह रोटेशन वगैरह इसको चेंज करते हैं, इसमें कैपेसिटर से चेंज नहीं होगा। यूके मोटर देख सकते रहेंगे थर्मली प्रोटेक्टेड है, यानी कि इसके अंदर मोटर जो हमारा अगर गर्म हो जाता है, ओवरहीट होता है, तो ऑटोमेटिक तरीके से थर्मल जो बाइंडिंग नहीं जलेगा, ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, गर्म रहेगा तो, फिर ठंडा होने के बाद फिर ये ऑन हो जाएगा मोटर। मॉडल नंबर देख सकते रहेंगे AK39PG L969S, ये मॉडल इसका रहेगा। HP देखा से जाए देख सकते रहेंगे HP लिखा हुआ 0.6 HP है। नीचे वोल्टेज देख सकते रहेंगे 460 वोल्टेज, फिर 380, 415 वोल्टेज है। इसका क्यों इस तरह से है, 460 वोल्टेज जो है आपका हार्डजेट लिखा हुआ है, HZ लिखा हुआ है, 60 हार्डजेट पर ये हमारा 460 वोल्टेज पर वर्क करेगा, और उसी तरह से 380 वोल्टेज है ये हमारा 50 हार्डजेट पर वर्क करेंगे, इंडिया में हो गया कहीं पर हर कंट्री में वर्क करेगा। RPM देख सकते रहेंगे 1075 RPM कब होगा जब हमारा 460 वोल्टेज मिलेगा, 920 RPM कब होगा जब हमारा 380 वोल्टेज मिलेगा, यानी कि वोल्टेज कम होगा तो भी हमारा RPM भी कम हो जाएगा। इसका कैपेसिटर देख सकते रहेंगे कैप लिखा हुआ CAP लिखा हुआ है, तो ये लिखा हुआ है 7.5 MFD है, 370 वोल्टेज का है। रोटेशन इसका जो है फॉरवर्ड रिवर्स दोनों होगा, और इसका जो है कनेक्शन डायग्राम देख सकते लिखा हुआ है यहाँ पे ब्राउन, नीचे ब्राउन, ब्राउन व्हाइट या ब्राउन ब्राउन दिया हुआ है,
तो हमारा कैप सीटर पर सीधा जाएगा, एक सिंबल दे सकते रहेंगे, ये हमारा जो है ब्राउन ब्राउन दोनों सीधा कैप सीटर पर जाएगा। रेड और ब्लैक जो है ये हमारा लाइन है, जैसे नीचे लिखा हुआ लाइन लिखा हुआ है, यानी कि फेस लिखा हुआ है, दोनों फेस है, यानी कि रेड और ब्लैक दोनों के दोनों फेस है यहाँ पे। तो उसके बाद यहाँ से हमने क्या कहता है, एसी कवर बंद कर दिया था, चेक करना था, जिससे हमें क्योंकि हाई प्रेशर जाके ट्रिप हो सकता रहेगा चालू करेंगे तो हमने यहाँ पे फेस चेक करना है। ऊपर देख सकते रहेंगे हमने L1 L2 फेस चेक किया, 417 वोल्टेज शो कर रहा है। उसी तरह से वहाँ से निकाल करके हमने L3 पर लगा कर चेक करते हैं, L3 पर लगा कर चेक करते हैं तो यहाँ पर हमें 414 वोल्टेज देखने को मिल रहा है। फिर क्या करते हैं, L2 से L1 पर चेक करेंगे या फिर L2 से L3 चेक करेंगे तो उसमें वोल्टेज डिफरेंस देखने को मिला है। इस तरह से हम वोल्टेज इनपुट चेक कर लिए। उसके बाद हम आउटपुट चेक करते हैं तो नीचे देख सकते रहे हमने एक लिड लगा दिया है और यहाँ से कॉन्टेक्टर को प्रेस करते हैं तो आउट हो रहा है पावर, आउट हो रहा है 416 वोल्टेज पावर देखने को मिल रहा है। आप देख सकते रहेंगे क्योंकि अभी हमारा कंप्रेसर ऑटोमेटिक नहीं ऑन होता तो हमने ऐसे पावर कॉन्टेक्टर पुश किया है। आउटपुट देख सकते रहेंगे जहाँ से हमारा कंप्रेसर कंडेंसर फैन का मोटर वायर जा रहा था वहीं पर हमने दोनों वायर लगाया हुआ, दोनों लीड लगाया हुआ है तो 416 वोल्टेज शो कर रहा है देखने को मिला है। जिससे आप समझ सकते रहेंगे ये हमारा टू फेस है, पावर ज़्यादा है थ्री फेस जब टू फेस पर वर्क कर रहा है, दोनों फेस पर लगा हुआ है, फेस टू फेस है। RYB देख सकते रहे कॉन्टेक्टर था, RYB तीनों फेस जो है सीधा L1 L2 L3 कंप्रेसर पर आता है। यहाँ से जो हमने कॉन्टेक्टर में दिखाया था दबाया हमने वहाँ सीधा आउट जो हमारा कंप्रेसर हो रहा था, जैसा कि आप देख सकते रहेंगे कंप्रेसर है। उसी तरह से ए मोटर है, कंडेंसर फैन मोटर है ये देख सकते रहेंगे। और यहाँ पर चार वायर था हमने पहले जैसा दिखाया था, इसमें रेड ब्लैक ब्राउन ब्राउन उसी तरह से देख सकते रहेंगे। यहाँ पर रेड वायर हो गया आर और वाई पे यहाँ पे देखते रहेंगे ब्लैक वायर दिया था, तो यहाँ से दोनों फेस जो है डायरेक्टली हमारा मोटर में जा रहा था, जैसा कि आप देख सकते रहेंगे डायग्राम में यहाँ से दोनों फेस जो है डायरेक्टली मोटर में जाता है। उसी तरह से दो वायर जो हमारा ब्राउन रहता है निकलता है मोटर से, ये हमारा कैपेसिटर पे आता है। यहाँ देख सकते रहेंगे दो मोटर कैपेसिटर पे आता है। यहाँ पे 7.5 mA का कैपेसिटर यूज़ किया गया है, 370 वोल्टेज है जैसा कि आप देख सकते रहेंगे। ये मोटर जो है अंदर कैपेसिटर के लिए अंदर से ही डायग्राम कनेक्शन करके यहाँ पर आया हुआ है। ये हमने RPM दिखाया 1075 RPM है, 920 RPM है, 460 वोल्टेज पर 1075 RPM रहेगा, 75 RPM रहेगा, वोल्टेज कम होगा तो 920 RPM हो जाएगा। तो बेसिक कुछ इस तरह से क्या कनेक्शन डायग्राम रहता है जैसा कि आप देख सकते रहेंगे। थ्री फेस कॉन्टेक्टर, कॉन्टेक्टर से जो हमारा कंप्रेसर जा रहा है, कंप्रेसर को यहाँ पर आ रहा है। इसमें न्यूट्रल पावर नहीं यूज़ किया गया है, न्यूट्रल कहीं पे देख सकते हैं नहीं यूज़ किया गया है। अगर एसी में कहीं थ्री फेस है या आउट ऑफ कंट्री में अगर न्यूट्रल नहीं यूज किया जा रहा है, न्यूट्रल का प्रॉब्लम है आपके पास, तो इस तरह से ए टाइप का भी मोटर यूज कर सकते रहेंगे, टू फेस ही आपको आ रहा है। तो आशा करता हूँ आपको जरूर इन्फॉर्मेशन मिल रहेगा। इसी तरह से वीडियो देखने के लिए हमसे जुड़े रहें, हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आता है ऑल नोटिफिकेशन आता है उसको ऑन जरूर करें। हम आपसे रिक्वेस्ट यही करेंगे आप वीडियो नए टेक्नीशियन नए लोग पास शेयर करें, जो लोग कोर्सेज कर रहे हैं ये फील्ड में आना चाहते हैं, स्पेशली नए टेक्नीशियन है उन लोग पास शेयर करें, जैसे व्हाट्सएप ग्रुप हो गया, फेसबुक ग्रुप हो गया, अदर सोशल मीडिया पर हो गया शेयर करें। आप भी नए लोग का हेल्प जरूर करें, ये वीडियो का फीडबैक दीजिए अच्छा लगा या नहीं लगा। अगर आप कोई सा ये मोटर खरीदना चाहते हैं, कुछ टूल्स खरीदना चाहते हैं ऑनलाइन, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, विजिट कर सकते रहें, बाय कर सकते रहेंगे। आज आपका दिन शुभ हो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।